लास्ट क्लास में मैंने आपको कन्वेक्शन पढ़ाया था, रेडिएशन पढ़ाने वाली थी, ठीक है? रेडिएशन, जो रेडिएशन के थ्रू आपका हीट ट्रांसफर होता है। कैसे होता है हीट ट्रांसफर रेडिएशन के थ्रू? क्या होता है कि हम किसी भी, अगर किसी भी मीडियम को हीट करेंगे, हीट अप करेंगे, जैसे आप पैन या पैन को गर्म करते हो, ठीक है? पैन जो आपका हीटिंग मटेरियल, कोई भी पैन है, ठीक है, या कैटल है, उसको आप हीट अप करते हो, तो उसमें कन्वेक्शन मेथड भी, कंडक्शन मेथड भी और रेडिएशन मेथड भी इन यूज़ होता है, ठीक है? रेडिएशन मेथड कहाँ कैसे यूज़ होता है? जैसे ये पैन है, ठीक है, आप जस्ट वहीं पे फोकस करोगे, जैसे ये पैन है, ठीक है, इसको ही हीट अप करना है, ना कि कहीं और से आप हीट ट्रांसफर कर रहे हो। जस्ट आप हीटिंग, जो भी मीडियम यूज़ कर रहे हो हीटिंग के लिए, तो आप जस्ट उसके बिलो यूज़ करोगे, ठीक है? और आपका रेडिएशन में जो आपका वो होता है, कोई भी मीडियम और मॉलिक्यूल यूज नहीं होता, ठीक है? जैसे जैसे आपका कन्वेक्शन में और उसमें यूज हो रहा था ना मीडियम और मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम जैसे कंडक्शन में क्या हो रहा था, इस एंड पे आप क्या कर रहे थे, हीट ट्रांसफर कर रहे थे, तो वो धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स अपनी हीट ट्रांसफर इस एंड पे करते हैं, ठीक है? इसी टाइप से आपका रेडिएशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। हम जस्ट मतलब वो क्या करते हैं, इसमें कोई भी मीडियम का यूज़ नहीं होता है, ठीक है? लिखो, इसमें हेडिंग डालो रेडिएशन, हेडिंग डालो रेडिएशन। रेडिएशन इज ए प्रोसेस, वॉइस क्लियर नहीं होगी तो बता देना, ठीक है? रेडिएशन इज ए प्रोसेस इन विच हीट फ्लो हीट इज ट्रांसफर्ड इन विच हीट फ्लो हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू स्पेस हीट फ्लो हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू स्पेस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू स्पेस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, रेडिएशन की प्रोसेस में क्या होता है, हीट ट्रांसफर आपका कैसे होता है, थ्रू द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जैसे एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज होती हैं, उसके थ्रू से आपका क्या होता है, रेडिएशन में हीट ट्रांसफर होती है, हीट फ्लो होता है, ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग डालो थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन इज नोन एज हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन इज नोन एज थर्मल रेडिएशन इज नोन एज थर्मल रेडिएशन। रेडिएशन इज इफेक्टिव अक्रॉस परफेक्ट वैक्यूम एंड ऑल्सो थ्रू लेयर्स ऑफ एयर। नेक्स्ट लाइन में लिखो, क्या होता है आपका, जैसे कंडक्शन या कन्वेक्शन है, वो मैकेनिज्म को छोड़ के रेडिएशन एक पर्टिकुलर ओनली ऐसा मेथड है, ऐसा मैकेनिज्म है जो आपका वैक्यूम में भी हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है? इसमें हीट ट्रांसफ़र इन वैक्यूम में भी हो जाती है, ठीक है? नेक्स्ट लाइन में लिखो, ऑल सॉलिड बॉडीज
radiate energy when their temperature are above the absolute zero, when their temperature are above the absolute zero, a solid surface emits radiant energy continuously and distributes overall wavelengths although a major portion is concentrated within a relatively narrow range of wavelengths. Next line में लिखो heat transfer का दूसरा नाम क्या है? थर्मल एनर्जी. ब्रैकेट में लिखो थर्मल एनर्जी is predominant as the temperature of body increases. Heat transfer, thermal energy is predominant as the temperature of the body increases, the amount and kind of thermal energy, the amount and kind of thermal energy radiated increases, kind of thermal energy radiated increases rapidly with temperature. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो various forms of emitters. एमिटर्स क्या होते हैं? जिससे आपकी रेडिएशन क्या हो जाती है? एमिट होती है. ठीक है, जो आपकी रेडिएशन है वो क्या होती है? एमिट होती है, निकलती है. ठीक है, इसमें लिखो various forms of emitters used for the supply of radiant energy are, एक टेबल है. ठीक है, टेबल बनानी है. तीन है, उसमें तीन कॉलम है. फर्स्ट कॉलम में लिखो रेडिएशन सोर्स. फर्स्ट में लिखो रेडिएशन सोर्स. सेकंड में लिखो वेवलेंथ. थर्ड में लिखो एप्लीकेशंस.
थर्ड में लिखो एप्लीकेशंस, फर्स्ट में लिखो रेडिएशन सोर्स, सेकंड में लिखो वेवलेंथ, थर्ड में लिखो एप्लीकेशंस, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट लिखो रेडिएशन सोर्स में, रेडिएशन सोर्स में लिखो आईआर लैंप, आईआर लैंप, आईआर लैंप होता है आपका इंफ्रारेड, ठीक है, एनालिसिस में पढ़ोगे आप, ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। अभी आपने जो लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा वो क्या है, जर्नल होता है एनालिसिस का, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, बट आपको जो आईआर यूवी स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ोगे वो आप नेक्स्ट शायद मे बी फोर्थ ईयर में जाके पढ़ोगे, ठीक है। आईआर लैंप ब्रैकेट में लिखो 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, वेवलेंथ में लिखो 1 माइक्रोमीटर, फर्स्ट वेवलेंथ में लिखो 1 माइक्रोमीटर, एप्लीकेशंस में लिखो हाई इंटेंसिटी रेडिएशन, रेडिएशन के सेकंड सोर्स लिखो, रेडिएशन सेकंड सोर्स लिखो सेरामिक रोड्स, सेरामिक CERAMIC, सेरामिक रोड्स, RODS रोड्स, एंड पैनल्स PANELS पैनल्स, हीटेड बाय गैस और इलेक्ट्रिसिटी, पैनल्स हीटेड बाय गैस और इलेक्ट्रिसिटी, ब्रैकेट में लिखो 500 to 300 degree Celsius, ठीक है। वेवलेंथ लिखो, वेवलेंथ में लिखो 2 to 4 micrometer, एप्लीकेशंस लिखो फार्मास्यूटिकल पर्पसेस, थर्मल लेबाई सब्सटेंसेस, ठीक है। ये आपकी मतलब ये एमिटर्स हैं, कौन कौन से रेडिएशन सोर्स आप यूज करते हो हीट ट्रांसफर करने में। फर्स्ट कौन सा है, आईआर लैंप, ठीक है, आईआर लैंप, या फिर दूसरा क्या है, सेरामिक रोड्स या पैनल्स यूज करते हो जिसको आप हीट अप कैसे कर सकते हो, थ्रू द गैस या फिर इलेक्ट्रिसिटी से आप हीट कर सकते हो, हीट ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, हीट अप करोगे, ठीक है। अब इसका लिखो एडवांटेजेस लिखो इसकी, रेडिएशन सोर्स की, द रेडिएशन सोर्स किसी का बीच में छूटता नहीं है या नेटवर्क प्रॉब्लम है अभी भी, मेरी आवाज वॉइस क्लियर है? यस मैम। कंटिन्यूस लिख रहे हो? यस मैम। ठीक है, एडवांटेजेस, द रेडिएशन सोर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ फ्रॉम 0.8 to 400 micrometer is used for the 0.8 to 400 micrometer is used for the thermal radiation, is used for the thermal radiation, radiant energy
radiant energy penetrates a short distance. Radiant energy penetrates a short distance. Radiant energy penetrates a short distance into materials. Radiant energy penetrates a short distance into materials. ठीक है, ये इसकी एडवांटेजेस हैं। अब आगे इसमें रेडिएशन में क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मतलब कुछ कॉन्सेप्ट हैं कि ब्लैक बॉडी में क्या है, कैसे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है, कैसी होती है, ग्रे बॉडी में क्या होता है, ये सब इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट है रेडिएशन में। ठीक है, अब हेडिंग डालो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, FUNDAMENTAL फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, CONCEPTS फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। कुछ लॉ है जो इसमें क्या है, इन्वॉल्व होते हैं आपके रेडिएशन में। ठीक है, इसमें लिखो थर्मल रेडिएशन ओबेज सेम लॉ ऑफ लाइट मतलब थर्मल रेडिएशन का क्या है, आपका सेम लॉ होता है जैसे आपका लाइट का होता है। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखो इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। It travels in a straight line. First point लिखो, it travels in a straight line. Second point लिखो it may be reflected from the surface. First point क्या है, it travels in a straight line. Second क्या है, it may be reflected from the surface. ठीक है, मतलब लो क्या है कि आपका रेडिएशन की जो सोर्स हैं जो उसमें से रेज एमिट होती हैं, वो कैसे ट्रैवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में एमिट करती हैं। ठीक है, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब हम किसी उस पे लाइट वो डालते हैं प्रिज्म पे, ठीक है, तो वो क्या करती है, कुछ लाइट की रेज क्या हो जाती है आपकी, जैसे ये है, ठीक है, ये क्या है आपका प्रिज्म है। ठीक है, मान लो कि ये प्रिज्म है या फिर वो है, ठीक है, अगर आप कोई लाइट की सोर्स यहाँ पे डालोगे, ठीक है, तो कुछ रेज क्या जाएंगी, ठीक है, कुछ रेज यहाँ तक जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, कुछ रेज क्या होंगी, यहाँ पे जाएंगी और क्या हो जाएंगी, वापस हो जाएंगी। ठीक है, और कुछ रेज आएंगी जो आगे क्या हो जाएंगी, एमिट हो जाएंगी, आगे क्रॉस हो जाएंगी। ऐसे देखा है आपने, पढ़ा है ना फिजिक्स में, सेम उसी तरह से आपका क्या है, डिपेंड करता है आपका रेडिएशन। ठीक है, सेकंड क्या है, इट मे बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, ये रिफ्लेक्टेड क्या करता है, फ्रॉम द सरफेस से रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, आगे लिखो इसमें, सपोज ए कोल्ड सब्सटेंस, सपोज एग्जाम्पल है,
suppose a cold substance is placed in the site. Suppose a cold substance is placed in the site of a hot body. Site of a hot body, site SIGHT, site of a hot body, inside an enclosed, inside an ANN, enclosed space, enclosed space. Next line mein likho, the cold body intercept the radiation, the cold body intercept the radiation emitted by the hot body. The friction of radiations falling on the body, the friction of radiations falling on the body may be reflected. The friction of radiations falling on the body may be reflected, which is known as reflectivity, which is known as reflectivity. Reflectivity को हम rho से denote करते हैं, ठीक है? Next line में लिखो, the fraction that is absorbed is known as absorptivity. ठीक है, जैसे आपने reflectivity लिखा है वैसे absorptivity भी लिखना है. Absorb, A B S O R P T I V I T Y, absorptivity, इसे डिनोट करते हैं आप अल्फा से. अल्फा, the fraction that is transmitted is known as transmissivity. स्पेलिंग बोल रही हूँ, TRANSMISSIVITY, transmissivity, इसे डिनोट करते हैं टो से. तो सबको पता होगा क्या होता है, फिजिक्स सब पढ़ के आए हैं. इसकी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, द सम ऑफ दीज फ्रैक्शंस मस्ट बी यूनिटी. द सम ऑफ दीज फ्रैक्शंस मस्ट बी यूनिटी. सम कौन सा है, SUM. सम मीन्स क्या होता है, SUM. सुमन सम मीन्स क्या होता है मैम, जैसे टोटल होता है, जैसे मैम ऐड हो रहा है. ठीक है, सम इक्वेशन लिखो, अल्फा प्लस रो प्लस टो इक्वल टू एल. ठीक है, अल्फा क्या है आपका, एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, एब्जॉर्बिविटी. ठीक है, रो क्या है आपका, रिफ्लेक्टिविटी, और टो क्या है, ट्रांसमिसिविटी. ठीक है, कि ट्रांसमिशन कैसे, ट्रांसमिट कितना क्या हो रहा है, और एल है आपकी लेंथ. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन प्रैक्टिस कोमा रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड रेडिएशंस
रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड रेडिएशंस यूजुअली फॉल ऑन अदर रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड रेडिएशंस यूजुअली फॉल ऑन अदर एब्जॉर्बिटी रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड रेडिएशंस usually fall on other absorbity bodies this absorbed radiation is transformed into heat ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग डालो ब्लैक बॉडी. ऑल सॉलिड बॉडीज रेडिएट एनर्जी एट ए टेम्परेचर ऑल सॉलिड बॉडीज रेडिएट एनर्जी at a temperature above the absolute zero however not at the same rate. Next line mein likho ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज ए बॉडी दैट रेडिएट्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ए गिवन टेम्परेचर. नेक्स्ट पॉइंट लिखो नो फिजिकल सब्सटेंस इज ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी द ब्लैक मैटर सरफेस approaches a black body. No physical substance is a perfect black body. The black matter surface approaches a black body when visible light bracket mein likho rays alone is considered. Next line में लिखो light colored substances deviate widely from it. Black surfaces are better emitters of heat radiation. than polished surfaces. polished. Polished surfaces. ठीक है. ऑल सॉलिड बॉडीज क्या होती हैं आपकी, रेडिएट एनर्जी टेम्परेचर करती हैं अबव द एब्सोल्यूट जीरो. ठीक है. ब्लैक बॉडी डिफाइन क्या करती है आपकी, कि मतलब वो रेडिएशन क्या करेगा, मैक्सिमम देगा आपको. रेडिएशन जो होगा वो होगा, वो आपको मैक्सिमम मिलेगा.
नो फिजिकल सब्सटेंस इज ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, मतलब कोई भी फिजिकल सब्सटेंस क्या होगी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होती है, ठीक है? वो ठीक है, जो ब्लैक बॉडी है वो आपकी बेटर इमिटर्स है कंपैरिजन टू अदर, जो पॉलिश वाले जो वो होते हैं सरफेसेस होते हैं उससे कंपेयर में, ठीक है? आया समझ में? आगे इसमें एक रेट ऑफ रेडिएशन है, ठीक है? वो एक लॉ है, वो लॉ मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप उसमें समझ लेना, ठीक है? लॉ में क्या बताया गया है कि आपका जो नॉर्मली हॉट बॉडीज होती हैं वो एमिट रेडिएशन, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है जिसने टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन बताया गया है कि कितनी अमाउंट में ट्रांसमिटेड करती है एक ब्लैक बॉडी, ठीक है? एक फॉर्मूला दिया हुआ है, क्यू इक्वल टू बी ए टी फोर टी दी पावर फोर, ठीक है? एक इक्वेशन है जिसमें उसने अमाउंट बताया गया है कि कितना अमाउंट में ट्रांसमिटेड हो रही है, ठीक है? वो मैं आपको नहीं लिखा रही हूँ, ठीक है? नेक्स्ट उसमें ग्रे बॉडी है, ग्रे बॉडी में भी ऐसे ही बताया हुआ है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कैसे हो रही है, डिपेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज, जो आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है ग्रे बॉडी में वो आपका डिपेंड क्या करता है, किस पे करता है, प्रॉपर्टीज पे, कि किस टाइप की प्रॉपर्टी है आपकी, वो डार्क कलर में है या लाइट कलर में है, या सरफेस आपकी कैसी है, रफ है या सॉफ्ट है, ठीक है? इस टाइप की डिपेंड करता है सरफेस पे, ठीक है? फिर आपका दो टॉपिक रह जाएंगे इस चैप्टर में, आपका हीट चेंजर्स एंड हीट एक्सचेंजर्स, ठीक है? आज का टॉपिक आपका रेडिएशन कंप्लीट हो गया है। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं बच्चे, कोई डाउट नहीं है, घर पे बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं बच्चे एज कंपेयर टू कॉलेज में आके, है ना? राइट चलो अटेंडेंस बोलो। आकाश पवार, अभिषेक, अभिषेक नामदेव, अभिषेक सैनी, यस अभिषेक मैम, सैनी, आलोक बिष्ट, यस मैम, यस आकाश सैनी, मैम, अमरजीत, अंजलि, अंकित कुमार, अंकित कुमार, अंकित सिंह, अंकुर चौहान, यस अंकुर, मैम, अनुज, अनुज, यस मैम, अर्जुन प्रताप, यस मैम, मैं अर्जुन, फैज, अंकित कुमार, नींद आ रही थी अंकित, फैज, हनुमंत, इंजमामुल हक, कपिल सैनी, अमीशा, प्रेजेंट मैम, दीक्षा, दीक्षा, मधुर त्यागी, प्रेजेंट मैम, मनीष यादव, मनीष राज पटेल, प्रेजेंट मैम, मयंक प्रकाश, हारून, आमिर, जुनैद, जुनैद, सुआफ, वलीम, असजद, शरीफ, मोहित कुमार, मोहसिन, यस मैम, मुकुल कुमार, परवेज आलम,
राहुल कुमार, राजन सैनी, प्रेजेंट मैम, रिया सती, रोहित, साजिद, सौरभ चौहान, सौरभ कुमार, शरद सैनी, श्रुति, सुयब, शुभांशु, सुमन, प्रेजेंट मैम, तुषार पांचाल, विशाल पवार, हिमांशु, शाहबाज खान, तुषार त्यागी, सुमित कुमार। ऐसा कोई है किसी की अटेंडेंस बाकी है अभी?